हर किसी को गोली मारने के आदेश दिए गए। ये सचमुच हत्या थी। मैंने हाल ही में कई खूनी और भयानक दृश्य देखे हैं, लेकिन कल मैंने जो देखा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं फिर कभी न देखूं। सभी महिलाएं बच गईं, लेकिन अपने पतियों और बेटों को कत्ल होते देखकर उनकी चीखें बहुत दर्दनाक थीं। भगवान जानता है कि मुझे कोई दया नहीं आती, लेकिन जब कोई बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आदमी आपकी आंखों के सामने लाया जाता है और उसे गोली मार दी जाती है, तो मुझे लगता है कि उस आदमी का दिल कितना कठोर होगा जो उदासीनता से देख सकता है। 171 8 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा बंदूक से उड़ाकर विद्रोहियों को फांसी दी गई। कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने कोई कैदी नहीं की नीति अपनाई। एक अधिकारी थॉमस लोवे ने याद किया कि कैसे एक बार उनकी यूनिट ने 76 कैदियों को पकड़ा था। वे हत्या करने के लिए बहुत थके हुए थे और उन्हें आराम की जरूरत थी, उन्होंने याद किया। बाद में एक त्वरित परीक्षण के बाद कैदियों को एक पंक्ति में खड़ा किया गया, जहां उनके सामने कुछ गज की दूरी पर एक ब्रिटिश सैनिक खड़ा था। फायर के आदेश पर उन सभी को एक साथ गोली मार दी गई, अपने सांसारिक अस्तित्व से मिटा दिया गया। उद्धरण की आवश्यकता। विद्रोह के बाद की स्थिति भारतीय स्रोतों और जनसंख्या अध्ययनों का उपयोग करके नए काम का केंद्र रही है। द लास्ट मुगल में इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने दिल्ली की मुस्लिम आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की है। जब शहर को अंग्रेजों ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया था और पाया कि शहर का बौद्धिक और आर्थिक नियंत्रण मुस्लिमों से हिंदुओं के हाथों में चला गया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों को विद्रोह के पीछे एक इस्लामी हाथ दिखाई दिया था। 172 ब्रिटेन में प्रतिक्रिया। न्याय सर जॉन टेनील द्वारा 5 सितंबर 1857 के अंत में छापा गया। ब्रिटिश प्रतिशोध की सेना द्वारा दिए गए दंडों के पैमाने को ब्रिटेन में काफी हद तक उचित और न्यायोचित माना जाता था, जो विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ किए गए अत्याचारों की अलंकृत रिपोर्टों से स्तब्ध था। 173 क्रिस्टोफर हर्बर्ट के अनुसार उस समय के विवरण अक्सर अतिशयोक्तिपूर्ण रजिस्टर तक पहुंचते हैं, विशेष रूप से अक्सर दोहराए जाने वाले दावे में कि 1857 का लाल वर्ष ब्रिटिश अनुभव में एक भयानक विराम था। 169 ऐसा माहौल था, एक राष्ट्रीय प्रतिशोध और निराशा का मूड, जिसने विद्रोह को शांत करने के लिए किए गए उपायों को लगभग सार्वभौमिक स्वीकृति दी। 174 87 भारतीय विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश महिलाओं और लड़कियों के साथ कथित रूप से बलात्कार की घटनाओं ने ब्रिटिश जनता को स्तब्ध कर दिया। इन अत्याचारों का इस्तेमाल अक्सर विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया को सही ठहराने के लिए किया जाता था। ब्रिटिश समाचार पत्रों ने अंग्रेजी महिलाओं और लड़कियों के बलात्कार के विभिन्न प्रत्यक्षदर्शी विवरण छापे। ऐसा ही एक विवरण टाइम्स द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें एक घटना के बारे में बताया गया था, जिसमें 10 वर्ष की आयु की 48 अंग्रेजी लड़कियों के साथ दिल्ली में भारतीय विद्रोहियों द्वारा बलात्कार किया गया था। कार्ल मार्क्स ने इस कहानी की झूठी प्रचार के रूप में आलोचना की और बताया कि यह कहानी बेंगलो के एक पादरी द्वारा लिखी गई थी, जो विद्रोह की घटनाओं से बहुत दूर था। उसके पास अपने आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। 175 अलग अलग घटनाओं ने जनता का ध्यान खींचा और प्रेस द्वारा उन पर भारी रिपोर्टिंग की गई। ऐसी ही एक घटना जनरल व्हीलर की बेटी मार्गरेट की थी, जिसे उसके अपहरणकर्ता की उपपत्नी के रूप में रहने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि इसे विक्टोरियन जनता को इस रूप में रिपोर्ट किया गया था कि मार्गरेट ने अपने बलात्कारी को मार डाला और फिर खुद को मार डाला। 176 कहानी के दूसरे संस्करण ने सुझाव दिया कि मार्गरेट को उसके अपहरणकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के साथ बहस करने के बाद मार दिया गया था। विद्रोह के बाद ब्रिटिश पुलिस और खुफिया अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्टों की विस्तृत जांच की कि बीबी घर और अन्य जगहों पर ब्रिटिश महिला कैदियों का अपमान किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के निर्देश पर ऐसी ही एक विस्तृत जांच की गई थी। आम सहमति ये थी कि इस तरह के अपराध किए जाने का कोई ठोस सबूत नहीं था, हालांकि कई ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को सीधे मार दिया गया था। 178 सिपाही या सिपाहीवाद शब्द राष्ट्रवादियों के लिए अपमानजनक शब्द बन गया, खासकर आयरलैंड में।